हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू डॉट संतोष। तो गाइज, अभी शाम का मौसम है और धूप भी कम हो गया, आप लोग देख सकते हो। तो अभी बाबू भी पापा पापा कर रही है, लेकिन खुशी को बहुत दिन से मन था कि खेत वगैरह घुमा दूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से तो ना हम घूमे हैं और ना ही खुशी कभी खेत गई है। तो यहाँ गाँव की जो हरियाली होती है वो तो खेत में ही मिलता है, तो हम लोग इसीलिए सोचे हैं कि आप लोग, अगर हम लोग घूमेंगे तो आप लोग नहीं घूमोगे क्या, इसीलिए आपको भी हम घुमा दे रहे हैं। चलिए आप मेरे साथ भी, और खुशी भी चल रही है मेरे साथ। एंड गाइस, पीछे देख सकते हो, इधर बच्चे सब ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे हैं। मेरा भाई है वो, तो उनके पास 3-4 बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, और ये कुछ इस तरह का रास्ता है। तो सो लेंगी अभी, ज़्यादा ये मतलब कि रोड बना नहीं है ये, है ना। और अभी से ही हरियाली की शुरुआत हो गई है और काफ़ी आनंददायक हवा चल रही है इधर। एंड गाइस, इधर देख सकते हो खुशी धीरे धीरे आ रही है, और इनको जोंक का, जो गांव में जोंक होता है ना, उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। किधर जोंक, बहुत ही अच्छा हवा आ रहा है यहाँ पे गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बताए, 5-7 साल के बाद हम ऐसी जगह पे आए हैं, गांव में पहले जाते थे। और इधर का आप लोग नज़ारा देख सकते हो, ये देखो क्या मौसम आया है। और इधर देखिए गाइस, छोटी छोटी बकरियाँ इधर घास चर रही है, और उधर देखिए, उधर एक मेरा पड़ोसी है, वो यहाँ पर घास काट रही है। तो गाइस, फाइनली हम इधर आ गए हैं, पूरा इधर देखिए मतलब। और बाबू काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा जगह, मुझे इतना पसंद है। लेकिन बाहर में रहती हूँ तो इतना अच्छा जगह मिलता नहीं है, और मैं भी कभी ना कभी इस खेत में, मतलब यहाँ का खेत नहीं, अपने गांव का खेत में मतलब जाके। इधर गुब्बारा, इधर दुगु के पीछे गुब्बारा बंधा हुआ है। तो गाइस, हम लोग कुछ शॉर्ट वीडियो बनाएंगे यहाँ पे, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी जा करके, गुब्बारा फूट गया, हाँ वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम लोग का शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगा। और देखिए, अरे कोई देखेगा उधर से, नहीं गुब्बारा बांध दिया है। तभी चलिए दिखाते हैं, और ये क्या है गाइस, देख सकते हो फिलहाल ये छोटा छोटा धान का पौधा है, आप लोग इधर नज़दीक से देख सकते हो। और खुशी को भी देख लीजिए आप लोग, वहाँ पर है, खुशी जा रही है और बाबू भी साथ में जा रही है। और ये देखिए मूंग, ये छोटी छोटी मूंग। डुगू, मज़ा आ रहा है क्या डुगू? देखो इधर, देख मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। देख सकते हो फिलहाल हम लोग मूंग के खेत में हैं, और खुशी देखिए दूसरे के मूंग के खेत से मूंग चुरा करके खा रही है, आप लोग इधर देख सकते हो। नहीं गाइस, चुरा के नहीं खा रहे, हम लोग जब खेत जाते थे तो ये वाला देखिए, मतलब देखते हैं अंदर में, कभी कभी खा भी लेते थे कच्चा मूंग। और कच्चा मूंग काफ़ी बेनिफिट्स होता है, मतलब कि विटामिन वगैरह होती है ना, तो चोरी करके नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम लोग गांव में, तो आपको पता है गांव में तो किसी के खेत में कोई चला जाता है, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह होती नहीं है। और बाबू देखिए अपना अंगूठा यहाँ पे, बाबू को एक मूंग दो ना, लो लो, ये देखिए गाइस दोनों मूंग, मतलब बाबू दो मूंग एक साथ खा रही है। और ये देखिए कुछ नज़ारा ऐसा यहाँ का गाइस, देख सकते हैं डुगू को जब नीचे रख दिए तो देखिए क्या कर रही है, और अभी ये चलने की कोशिश करेगी। इधर देखो डुगू, भागो भागो भागो, और बिल्कुल भी इसको डर नहीं होता है। आ बेटा, ये देखो डुगू, हेलो, जा रहे हैं, देख सकते हो इसको जाने का लेकिन बहुत डर होता, जा रहे हैं। इधर से डुगू और उनकी मम्मी आ रही है, और बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हो साफ ही काफ़ी लोग देख रहे हैं हमको, तो ऐसे ही देखते रहेंगे, मुझे जो अपना काम है वो करते रहना चाहिए, है ना। आओ डुगू, आओ मेरे पास, आओ आओ आ जाओ आ जाओ। और देखिए सारे लोग मुझे देख रहे हैं, इधर देखो, इधर देखिए सारे लोग देख करके, देखिए उधर से भी अभी तक उलट के देख रहे हैं। गाँव में कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप ब्लॉगिंग करोगे तो। आ जाओ डुगू। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं क्योंकि घर से उधर से लोग सब बुला रहे हैं मुझे, और खुशी भी साथ में इसीलिए बुला रहे हैं सब, क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं हम लोगों को, तो इसलिए चलते हैं घर। और पीछे पीछे बाबू भी है, देख सकते हो फिलहाल इधर हम लोग जब वीडियो शूट कर रहे हैं तो सारे लोग आ चुके हैं, और उधर से मम्मी भी बुला रही है मुझे कि आ जाओ, क्योंकि सारे लोग, काफ़ी लोग देख रहे हैं मुझे। ये देखिए, इधर देखिए, ये सारे लोग मुझे देख रहे थे, इस वजह से हम लोग चलते हैं।
और गाइस आप लोग देख सकते हो ये जो है ये मेरा भाई है और ये भी मेरा भाई ही लगेंगे। और आगे जो देख सकते हो वो मेरे अंकल के बेटे हैं। तो आप लोग को अभी से ही सारे फैमिली को हम लोग दिखा रहे हैं कि हमारे घर में कौन कौन है। आ जा दुग्गू। आप लोग देख सकते हो ये जो है ये हमारे फुआ के बेटे हैं, मतलब कि मेरी जो फुआ है उनका बेटा है, तो मेरा भाई ही लगेंगे ये। ये देखिए दुग्गू को घुमा रहा है साइकिल पर। और बाकी हम लोग धीरे धीरे करके सारे फैमिली मेम्बर से आप लोग को मिलवा देंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बाबू बैठी हुई है, खुशी भी है और ये मेरी सिस्टर है, तो उनको भी आप लोग देख सकते हो थोड़ा। और ये देखिए ये हमारी सिस्टर है जो अभी 12th क्लास में पढ़ती है, तो आप लोग इनके लिए दुआ कीजिएगा कि अच्छी नंबर से पास हो जाए। और इधर देखिए बाबू को देख सकते हैं आप लोग। और ये लोग थोड़ा सा कैमरा पर आने से हिचकिचा रही है क्योंकि कभी तो कैमरा पर आई नहीं है ना, मतलब कि बोलना अलग बात है और वीडियो किसी का देखना वो अलग बात है ना। तो खुशी और इधर ज्योति को देख सकते हो, ये लोग काफ़ी मतलब एंजॉय कर रही है चश्मा लगा करके, मतलब बोल रही है एक दूसरे को बोल रही है कि नाक पर आ जाता है चश्मा, तो कोई बोल रहा है तुम्हारे कपार पर आ जाता है। गुड मॉर्निंग, ये हमारा नेक्स्ट डे है और अभी फ़िलहाल देख सकते हो बाबू थोड़ा रो रही थी, तो बाबू को मैं लेकर के अभी घूम रहा हूँ। और इधर देखिए बाबू मोबाइल को नीचे गिरा दी हुई है। और उधर और हम लोग इधर देख सकते हो ज्योति अभी भात को पसा रही है, मतलब कि चावल में से पानी निकाल रही है जो उनका होता है। और खुशी अभी घर को साफ कर रही है थोड़ा सा, ये देखो खुशी का आप लोग देख सकते हो ये भी खाना बनाने में अभी मदद कर रही है। बाकी अभी पापा कहीं बाहर चले गए हुए हैं तो उनको आने देते हैं, फिर पापा से भी मिलवा देंगे और मम्मी से। और गाइस आप लोग देख सकते हो फिलहाल अभी खुशी सतीश को खाना दे रही है, मतलब कि नाश्ता दे रही है। और ये जो है ये मेरा भाई है, तो हम तीनों भाई मतलब दोनों भाई हम लोग चश्मा यूज़ करते हैं, मैं भी यूज करती हूँ और खुशी भी यूज़ करती है, पापा भी चश्मा यूज़ करते हैं, मतलब टोटल फैमिली लगभग चश्मा यूज़ करते हैं ना। आप लोग देख सकते हो खुशी इधर खाना बना रही है और ज्योति खाना इससे पहले बना रही थी, तो वो उनको क्लास जाना है थोड़ा देर के बाद, उसका क्लास स्टार्ट हो जाता है तो वो क्लास जाएगी पढ़ने के लिए, और इस वजह से खुशी अभी इधर हैंडल कर रही है खाना को। और हमको इसलिए मांगते हैं और हमको इसलिए बैठा के रखी क्योंकि चूल्हे पर खाना बना रही है, तो इनको यहाँ जलावन वगैरह देखा हुआ है नहीं, तो कभी मांगती है कोई गोठा दीजिए, कभी मांगती है कि कुर्सी दीजिए कभी कुछ इधर देख सकते हो आप लोग इसको। और गाइस फिलहाल इधर देख सकते हो बाबू को पापा के मोबाइल को यूज़ कर रही है। और ये देखिए मोबाइल में कवर लगा हुआ है, तो उनको चाहती है कि किस तरह से हम खोल दें। बाबू देखो इधर देखो। और गाइस देखिए पापा के गोदी, मतलब कि अपने दादा की गोदी में कितनी ज़्यादा हैप्पी है ये। और पापा के मोबाइल में हमेशा वीडियो भी रहती है और दादा हमेशा, पापा जब चले जाते हैं कहीं तो दादा चिल्लाती रहती है हरदम। देखो ये क्या लगा हुआ है, देखिए अभी पापा बिस्किट लाए थे मार्केट से तो वो इनको दी थी, तो ये देखिए बिस्किट खाइए बिस्किट ये देखो मोबाइल ऐसे खुलता है बेटा, मोबाइल में जो ढक्कन लगा हुआ उसको खोल रही है और कभी लगा रही है मोबाइल की ढक्कन। तो आप लोग मतलब कि पापा या सतीश का कुछ ऐसा काम है, ये देखिए डब्बा में ये देखिए फूल, और किस तरह से ये फूल है आप लोग देख सकते हो डब्बा में छेद करके। और एक यहाँ भी है आप लोग इसको भी देख सकते हो, ये देखो और कितनी ज़्यादा औसम लग रहा है ना यार, बहुत ज़्यादा औसम है ये। और इधर देख सकते हो आप लोग ये हमारा गुलाब है, ये अभी रेड वाला है और ये वाइट वाला है, तो वाइट वाला थोड़ा सा ये झड़ गया है इसका पत्ता वगैरह। और बाकी यहाँ भी आप लोग देख सकते हो ये कुछ ऐसा यहाँ भी है, तो मतलब लगभग तीन डिब्बे हैं, देखिए एक यहाँ भी है वहाँ भी है और एक यहाँ भी है। फिलहाल आप लोग देख सकते हो दादाजी इधर पूजा पसार के रखे हुए हैं और अब भगवान जी का पूजा करेंगे। ये देखिए ये बहुत प्यारा है, हेलो इधर देखिए खुशी को कहाँ जा रही है, देखिए क्या किया बुआ। और इधर देखिए बाबू के हाथ से मोबाइल छूट गया था, तो यहाँ पर मम्मी वाला फ़ोन गिरा हुआ है नीचे में, उठाओ ना फ़ोन गिर जाएगा। आप लोग पीछे देख सकते हो कि टोटल जो हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं टोटल पीछे हैं, और धीरे धीरे आपको सबसे हम मिला देंगे। बाकी आप लोग देख सकते हो उधर पापा हैं, उसके जस्ट साइड में जो है ब्लैक में वो सतीश है मेरा भाई, उसके जस्ट बगल में मम्मी है और उनके जस्ट बगल में जो है वो मेरी सिस्टर है ना। और क्या एक दादाजी हैं, तो उनको आप लोग देखे ही, दादी का कुछ दिन पहले ही डेथ हो गया था, मतलब कि 2-4 साल पहले जब मैं 12th में था, तो अभी हम लोग की छोटी सी यही फैमिली है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारी फैमिली एक छोटी सी फैमिली मेरी कैसी है।
तो गाइस हमारे सब लोगों का कमेंट था कि अपने फैमिली से मिलवाए, तो आप लोग को अपने फैमिली से भी मिलवा दिए, बाकी आप लोग बताया प्रिय से भी बताया था आपको, और आप लोग का भी ये हम लोग पूरा कर दिए कि अपनी फैमिली से मिलवा दिए, है ना। तो गाइस हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।